हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये मौका दिया उसकी स्तुति और आराधना करने के लिए। आए हम परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हुए उसकी हम महिमा करेंगे। यीशु ने कहा, जहां दो या तीन मेरे नाम से एकत्रित होते मैं उनके बीच में हाजिर हूं। और प्रभु यीशु महान और सामर्थी है, उस पुत्र और पवित्र उस महान सामर्थी पुत्र को हम धन्यवाद देते उसकी महिमा हम करेंगे। हालेलुया। आइए अपने आप को हम तैयार करेंगे, अपने आप को ये कहेंगे, परमेश्वर तेरी महिमा होने पाए, परमेश्वर तेरी स्तुति होने पाए, परमेश्वर तेरी प्रशंसा होने पाए। हम जो भी है जैसे भी है, लेकिन तेरी महिमा हमारे जीवन से होने पाए। ओ इस प्रकार कहते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह के जैसा कोई नहीं है। उसके चरणों में आकाश, पृथ्वी और जितने प्राणी हैं सब झुक जाते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान। यस,
जैसा कोई नहीं है, क्योंकि वही एक ऐसा प्रभु है जो सारे जगत के पापों को उठा लेकर क्रूस पर चढ़ गया, हमारे पापों को लिया, सारे जगत के पापों को उसने उठा लिया। और बाइबल कहती है जिसने विश्वास किया उनके सारे पाप धुल गए, उनके सारे श्राप मिट गए, एक नया जीवन यीशु ने हमें दिया। इसलिए तो हम गाते हैं, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं है। यस, ओ यीशु, यीशु मसीह
से होके प्रवेश करता है उस गदी के ऊपर जब बैठ के आता है। मत्ती उसकी 21 अध्याय उसके 9 वचन में इस प्रकार लिखा है, जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को हो सन्ना, दाऊद के संतान को हो सन्ना, दाऊद के संतान को हो सन्ना। धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। आकाश में हो सन्ना, आकाश में हो सन्ना, हालेलुया। धन्य वे जो प्रभु के नाम से आज प्रभु की महिमा करने के लिए आए हैं। धन्य वे लोग हैं जो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को धन्यवाद और उसको महिमा देने के लिए आए हैं। हालेलुया, कितना सौभाग्य परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। यस, आखिरी बार हम गाए हो सन्ना। यस, ओ यीशु धन्यवाद। धन्यवाद और उसकी स्तुति हम करेंगे। और विश्व भर में आज पाम संडे खजूरी का रविवार मनाते हैं और हमें ये याद दिलाता है कि यीशु मसीह जब संसार में आए कितने सारे लोग, वचन में लिखा है भीड़ के भीड़ उनके पीछे होली और होसन्ना गाते हुए उसको महिमा देते हैं। हम भी हम याद करते हुए परमेश्वर की हम महिमा करेंगे। पराक्रमी खुदा हम तेरे आराधक है, किसकी बुलाते हुए ताली बजाते हुए जय जयकार की ललकार।
विश्वास करते हैं सामर्थ्य यीशु जो ऐसे कामों को करता है जो हमने कभी सोचा नहीं, हमने कभी समझा नहीं, हमारे समझ से परे काम करता है। यस, स्तुति करिए। Oh,
सामर्थ्य है यीशु, तू मेरे जीवन में अद्भुत काम को करता है, मेरी मांग और समझ से काम करने वाला यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आराधना करते हो, सामर्थ्य आत्मा आपको छुएगा। वो जिस प्रकार हमने गाया, सामर्थ्य आत्मा छू मेरे दिल को ताकि मैं देखूं तेरे प्रबंध को। जब सामर्थ्य आत्मा आपके जीवन को छुएगा, आपके दिल को छुएगा, परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा, आपके लिए प्रबंध को खोलेगा। हालेलुया धन्यवाद। ओ यीशु तेरा धन्यवाद, तू कितना महान, तू बड़ी युक्ति करने वाला परमेश्वर, असंभव बातों को संभव करने वाला यीशु तेरा धन्यवाद करते। तू मेरा बल है, जब मैं कमजोर होता हूं तू मेरा बल बन जाता है, तू मेरा धन जिसे मैं ढूंढता हूं। यस लॉर्ड, सब कुछ तू है लॉर्ड। परमेश्वर का मेमना योग्य है, वो योग्य है। खाली हूं तू मुझको भरता है, तू मेरा
अक्सर हमें याद दिलाती है वो योग्य है, वो योग्य है, उसने कभी पाप नहीं किया, वो योग्य है, वो पवित्र है, वो सामर्थी है। हालेलुया, इसमें लिखा है जब गिरता हूं तू मुझे उठाता है, जब खाली हूं तुम मुझको भरता है। हालेलुया, आज मैं एक शब्द को यहां पर बार बार दोहराना चाहूंगा, जब मैं खाली होता हूं तो वो मुझे भरता है, वो हमारे खालीपन को भरता है। हमारे जीवन में बहुत ऐसे विचार होंगे, बहुत बातों में हमारे जीवन में घमंड हो सकता है, लेकिन उसी को भरता है जो अपने मन को खाली करता है, जो अपने मन में जगह रखता है, जो अपने मन में यीशु को जगा देता है, जो अपने मन में ये कहता है मैं नम्र हो जाता हूं, तू मेरे जीवन में काम करते जा, तब यीशु मसीह आपके जीवन में सामर्थ को उंडेल कर आपके जीवन को जलाएगा। यस, अपने आप को खाली करने की जरूरत है। बहुत विषयों में आपका बोझ भारीपन से भरा हुआ है, आज उसको उतार दीजिए। हालेलुया, खाली होने का मतलब यह है कि अपने आप को नम्र करना, अपने आप को दीन करना। तब यीशु मसीह प्रेम से भरेगा, नम्रता से भरेगा, संयम से भरेगा, शांति से भरेगा, ओ धीरज से भरेगा, उसके फलों से भरेगा। ओ धन्यवाद, हालेलुया। क्यों ना अपने हाथों को उठाएं और कहिए, यीशु परमेश्वर का मेमना तू योग्य है। जय जयकार करिए, हालेलुया। वो योग्य है, वो योग्य है, वो नाम में योग्य है, वो काम में योग्य है, वो हर जगह योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना में जाएंगे, संगीता हमारे साथ है, प्रार्थना में अगुवाई करेगी। हालेलुया, यस, धन्यवाद, धन्यवाद, आमेन, यस। तेरे अलावा और कोई रास्ता नहीं है जिससे हम उद्धार प्राप्त कर सके प्रभु,
परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो लोग प्रभु उद्धार प्राप्त नहीं कर पाए हैं, यीशु तुझे जान ने पाए, हर घुटना यीशु तेरे आगे झुकने पाए, यस हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए प्रभु, हमारे देश के हर व्यक्ति का घुटना यीशु के सम्मुख झुकने पाए, हर व्यक्ति उद्धार पाए, यीशु को अपना जीवन देने पाए, ताकि हम सब प्रभु तेरे स्वर्ग राज्य के वारिस बन पाए, कोई भी नाश ना हो लेकिन सब बचाया जाए, क्योंकि पिता तू यही चाहता था कि कोई भी व्यक्ति नाश ना हो लेकिन सब बचाए जाए, इसलिए तूने अपने इकलौते बेटे यीशु को भेज दिया प्रभु, और इस बात को इस पृथ्वी के लोग जाने प्रभु, समझे प्रभु, और यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने पाए, ऐसी प्रार्थना करते प्रभु। हमारे देश में भी अनुग्रह करो, रहम करो प्रभु, कि हर जाति के लोग यीशु को जाने, यीशु को पहचाने, यीशु को अपने जीवन में अपनाने पाए प्रभु। यस धन्यवाद यीशु, आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, तूने यह अवसर दिया कि हम तेरे आराधना कर पाए, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम सब अपने आप को आपके चरणों में नम्र करते प्रभु, हमको ग्रहण करो प्रभु, और आपकी स्तुति के योग्य और हमको तैयार करो, आपके वचन के द्वारा हमसे बात करो, ताकि हमारा जीवन दिन प्रतिदिन यीशु जैसा आप चाहते हो वैसा बनने पाए। ये प्रार्थना आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम किस बात के लिए उसकी स्तुति होसन्ना का बोलते हैं? हो सन्ना का मतलब होता है, सन्ना का मतलब होता है स्तुति, और हो का मतलब हो, हाल तेरी स्तुति हो, हे परमेश्वर तेरी बड़ाई हो। किस बात के लिए? उसने यीशु को भेजकर, यीशु को बलिदान कर, यीशु को जिला उठाकर हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी हैं, इवन शैतान का नाश कर दिया है, हमारे पापों का नाश कर दिया है, इवन हमको अपना आत्मा दिया है, अपना पुत्र होने का अधिकार दिया है, स्वर्गीय वारिस ठहराया, इसलिए हम उसकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, बार बार हम उसकी स्तुति करते हैं हम, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 15:2, हालेलुया, पहला कुरिन्थियों उसका 15:2, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, हाँ, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, स्मरण रखते हो तो तुम्हारा उद्धार भी होता है, हालेलुया। अगर सुसमाचार को स्मरण नहीं रखते तो उद्धार नहीं होता। सुसमाचार क्या है? कि परमेश्वर ने हमारे पापों को नाश करने के लिए, हमको शैतान से छुड़ाने के लिए अपने बेटे को बलिदान किया है, और उसके नाम से, उस पर विश्वास के द्वारा, सुसमाचार पर विश्वास के द्वारा अपना आत्मा भी हमें दिया है, हालेलुया, हमको धर्मी ठहरा है, इसलिए हम स्तुति करते हैं, हालेलुया। इसलिए आराधना वेदी के आसपास की जाती है, हालेलुया। आराधना कहाँ की जाती है? वेदी के आसपास। ये कोई गीत नहीं है, आदम ने हवा बंद फरी आ गया, इस तरह के गीत गाने का कोई मतलब नहीं है, हालेलुया। आराधना हमेशा वेदी के आसपास की जाती है, और वेदी पर क्या हुआ है? वेदी पर मेमना बलिदान हुआ है, और गोलगोथा परमेश्वर की वेदी है, हालेलुया। और ये जो चर्च है, ये वेदी सुपीरियर एल्टर है, हालेलुया। यहाँ भी जब आप प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रार्थना वेदी के आसपास की जाती है, हालेलुया, वेदी के पास रहकर की जाती है, हालेलुया। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह को स्मरण करते हैं कि हे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम पापियों को बचाने के लिए अपने बेटे को बलिदान किया है, और जो उसका है वो मेरा है, और मेरा है वो उसने ले लिया है, मेरे पाप और श्राप उसने ले लिए हैं, और उसका आत्मा, पुनरुत्थान का आत्मा, उसका जीवन मुझे दिया है, उसका जीवन मुझे दिया है। बोलो, प्रभु आपने मेरे पाप और श्राप ले लिए हैं, आप बोलिए, और अपना जीवन मुझे दिया है, हालेलुया, उसका जीवन मुझ में है, हालेलुया। कितने लोग बोलना चाहते हैं हालेलुया? बोलिए, आप बोलना सीखिए, प्रभु आपका आत्मा मुझ में है, आपका पुनरुत्थान का आत्मा मुझ में है। यीशु मसीह ने 11:25 में बोला, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, और 11:40 में बोला, हालेलुया,
यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। हालेलुया। किसके लिए बोला? मार्था के लिए बोला। हालेलुया। जो बोलती थी कि एक दिन हम पुनरुत्थान के दिन हम यीशु मेरा भाई जी उठेगा, लेकिन यीशु मसीह ने कहा आज अपनी महिमा देखेगी। आज आज पवित्र आत्मा आज कल और युगान युग एक जैसा है। जो उसने यीशु के साथ किया आपके साथ भी कर सकता है, जो उसने याइर की बेटी के साथ किया आपके साथ भी कर सकता है, जो उसने लाजरस के साथ किया आपके साथ भी कर सकता है, जो उसने विधवा के बेटे के लिए किया वो आपके लिए भी कर सकता है, जो उसने 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री के साथ किया वो आपके साथ अभी कर सकता है। अभी हम उसकी उपस्थिति में हैं और हमें इस समय प्रार्थना करना चाहिए, यीशु से बोलना, धन्यवाद यीशु मैं आपकी उपस्थिति में हूँ, धन्यवाद पवित्र आत्मा मैं आपकी आपकी उपस्थिति में हूँ, आप परमेश्वर की आत्मा हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। हालेलुया। अभी हम पढ़ रहे थे, वहाँ पे लिखा हुआ है सियोन सियोन की बेटी से कहो देख तेरा राजा तेरे पास आता है। सियोन की बेटी, हालांकि इज़राइल के सिर्फ यहूदी लोगों में से सिर्फ 3% क्रिश्चियन हैं। हालेलुया। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। हालेलुया। बाद में दबाव में आकर भटक भी गए, लेकिन सच्चे लोग कौन है? अब्राहम की संतान हम लोग हैं। हालेलुया। हम लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास, क्योंकि अन्य जातियों ने उसको ग्रहण किया, क्योंकि अन्य जाति बलिदान के पर्व को अच्छी तरह समझते हैं। हालेलुया। और सच ये सच है। हालेलुया। सियोन की बेटी से कहो कि देख तेरा राजा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, हम थोड़ी देर में परमेश्वर के वचन में जाएंगे, लेकिन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 4 और 6 से यीशु मसीह के कितने रूप हैं। हालेलुया। यीशु मसीह गॉस्पल 4 हैं, मती मार्क लूक और यहुन्ना। हालेलुया। गॉस्पल 4 हैं, इसके क्या कारण हैं? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, हालेलुया, उसका 4 और उसकी 6 से और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी है जिनके आगे पीछे, देखिए ध्यान से सुनिए, सिंहासन के बीच में और सिंहासन के क्या लिखा हुआ है? सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और यहां पर हाँ पढ़िए, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। हाँ। पहला प्राणी सिंह के समान, देखिए ध्यान से सुनिए अब, हालेलुया, पहला प्राणी सिंह के समान। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? हालेलुया। पशुओं में सबसे बलवान कौन होता है? सिंह होता है। हालेलुया हालेलुया। दूसरा, हालेलुया, दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। हाँ, पालतू पशुओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है? बछड़ा। हालेलुया। मेमना। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? सिंह के समान है। यीशु मसीह मेमने के समान है। तीसरा, तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य कसा है। यीशु मसीह कौन है? श्रेष्ठ मनुष्य। हालेलुया। आदर्श मनुष्य, मनुष्य को बनाने वाला, मनुष्य को पालने वाला, मनुष्य के दुख दुख सुख में सुधि लेने वाला, मनुष्य को चंगा, अगर आपको आदर्श मनुष्य चाहिए, हालेलुया हालेलुया, अगर आपको आदर्श मनुष्य देखना है, हालेलुया, तो कौन है? यीशु एक आदर्श मनुष्य है। एक, हाँ, अगला, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। यीशु मसीह उकाब कहाँ उड़ता है? सबसे ऊंची जगह पर उड़ता है। यीशु मसीह कौन है? सबसे ऊंचा है। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? सबसे ऊंचा है। हालेलुया। कोई बंदर तो सब पेड़ पर ही चढ़ सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। हालेलुया। भले पवन पुत्र कहा जाता हो, हालेलुया, लेकिन उकाब के समान है यीशु मसीह। हालेलुया। सर्वोच्च स्थानों में रहने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह
देखिए यीशु मसीह के चार चेहरे हैं, हालेलुया। ये चार इंजील चार चेहरों को दिखाते हैं। मत्ती की इंजील यीशु को एक राजा के रूप में प्रस्तुत करती है, सिंह की, दाऊद का मूल। माठ साहब हम कभी कभी बोलते हैं दाऊद का मूल सिंह के समान, यहूदा का सिंह। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? यहूदा का सिंह है, हालेलुया। दूसरा गोस्पल है मरकुस की इंजील। मरकुस की इंजील एक आदर्श सेवक के समान दिखाता है, हालेलुया। मरकुस की इंजील यद्यपि पत्रस के द्वारा लिखवाई गई है, और पत्रस और मरकुस दोनों साथ साथ काम करते थे, सेवा करते थे। पत्रस पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन मरकुस पढ़ा लिखा था, इसलिए मरकुस के द्वारा लिखवाई गई इंजील है ये, हालेलुया। और मरकुस यीशु मसीह को एक सेवक के समान देखता है, आज्ञा मान्य ये कर तो वो करता है। यीशु मसीह कैसे करता था? पिता से सुनकर ही करता था, और पिता को देख करते देखने के द्वारा करता। जैसा पिता से सुनता हूँ वैसा ही करता हूँ, एक आदर्श सेवक, हालेलुया। और तीसरा लुका की इंजील, मनुष्य का पुत्र। यीशु मसीह कौन है? एक आदर्श मनुष्य है। और चौथा गॉस्पल यूहन्ना की इंजील, ये है परमेश्वर का पुत्र, मतलब सर्वोच्च, सबसे ऊंचा, हालेलुया, परमेश्वर का पुत्र। मैं एक बात और देखता हूँ कि सिर्फ यूहन्ना की इंजील ही यीशु मसीह को सार्वभौमिक बताती है, परमेश्वर का पुत्र, हालेलुया। सिर्फ यूहन्ना की इंजील में ही सत्य जो शब्द है वो 24 या 25 बार काम में लिया गया है। सत्य को जानोगे, और ये शब्द है वो सारे संसार के लिए है, यहूदियों के लिए भी नहीं है, हालेलुया। और यूहन्ना की इंजील में प्रेम शब्द का प्रयोग 90 बार किया गया है, हालेलुया, हालेलुया, और ये शब्द भी दिखाता है कि प्रेम सारे संसार से करने के लिए परमेश्वर चाहता है। और यीशु मसीह सत्य है, यीशु मसीह प्रेम का नमूना है, और हम लोग जो अन्य जाति लोग हैं सत्य से आनंदित होने वाले लोग हैं और प्रेम में जीने वाले लोग हैं। हम प्रेम करना चाहते हैं लेकिन हमको कोई मार्ग नहीं बताता, लेकिन बाइबल क्या बताती है? यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता, हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? एक आदर्श प्रेम का, इवन स्वयं परमेश्वर का प्रेम है, हालेलुया। आप परमेश्वर को देखना चाहते हो, आप यीशु मसीह को देख लो। आप आदर्श मनुष्य को देखना चाहते हो, यीशु मसीह को देख लो। आप आदर्श सेवक को देखना चाहते हो, यीशु मसीह को देख लो। आप एक आदर्श परमेश्वर के पुत्र को देखना चाहते हो, यीशु मसीह को देख लो, हालेलुया। यीशु मसीह पर को देखो। मैं आपको कह रहा हूँ किसी मनुष्य पर ध्यान मत लगाइए, वचन पर ध्यान लगाइए। किसी मनुष्य के बारे में नहीं सोचना, मेरे बारे में भी नहीं, हालेलुया। किसी के बारे में भी नहीं सोचना, सिर्फ यीशु के बारे में। यीशु कौन है? हाँ, और जैसा राजू भाई बता रहे थे उसके वचन पर ध्यान करना, क्योंकि विश्वास कैसे आता है? विश्वास कैसे आता है? अरे कोई तो बोलो, मेरा साथ तो दो कम से कम। अरे यार विश्वास कैसे आता है? हाँ? विश्वास परमेश्वर का वचन सुनने से आता है। जब हम वचन सुनते हैं तो पवित्र आत्मा वचन के द्वारा हमारे अंदर विश्वास स्थापित करता है। पवित्र आत्मा और वचन दोनों एक साथ काम करते हैं, पवित्र आत्मा बिना वचन के काम नहीं करता। विश्वास परमेश्वर का वचन सुनने से आता है। वचन आत्मा की तलवार है, हालेलुया। आप शैतान से मुकाबला करना है तो खाली आत्मा आत्मा कहने से काम नहीं चलेगा, आपको वचन लेके चलना पड़ेगा। और वचन आत्मा वचन स्मरण दिलाता है, हालेलुया। आपको वचन लेना पड़ेगा, आपको इस दिन में रहना पड़ेगा कि वचन में क्या लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का सामना किया तो वचन के द्वारा किया, हालेलुया। वचन पवित्र आत्मा का काम है, वचन को प्रकाशित करना, रोटी को प्रकाशित करना, हालेलुया। वह पवित्र आत्मा वचन को सामर्थ देता है, पवित्र आत्मा वचन का पावर है, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा वचन का पावर है, हालेलुया। आप समझ गए, यीशु मसीह एक रूप नहीं है, चार रूप हैं इसके, हालेलुया। ये चार गॉस्पल
परमेश्वर के आत्मा के, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा क्यों लिखाई गई? क्योंकि यीशु मसीह सब आकाश में भी श्रेष्ठ है, पृथ्वी पर भी श्रेष्ठ है, मनुष्यों में भी श्रेष्ठ है, और परमेश्वर का मेमना भी है। हालेलुया, हालेलुया। मरकुस की इंजील उसका 14 अध्याय, हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मरकुस की इंजील उसका 14 अध्याय, मरकुस और मती दोनों एक जैसा लिखते हैं, इसलिए मैं मरकुस की इंजील में जाना चाहता हूँ। और 14 अध्याय और उसकी 32 आयत से लगाकर 42 आयत तक पढ़ेंगे। उसकी 32 आयत, ध्यान से बाइबल है वो निकाल लें, जिसके पास बाइबल आप लेके आया करें। अगर आप वचन को ढंग से नहीं समझते तो जिस समय आप मुसीबत में आएंगे ना, इस समय इधर उधर ताकने लगेंगे, कहाँ कहने तो हम हूँ। हालेलुया, आप किसके पीछे, किसको पुकारूँ? प्रभु को नहीं पुकारेंगे, मनुष्यों को पुकारने के लिए दौड़ेंगे, जबकि मनुष्य के पास कुछ है नहीं। हालेलुया, अगर आपके पास वचन है तो आपको किसी मनुष्य की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन कौन है? यीशु है। हालेलुया, वचन कौन है? आत्मा है। हालेलुया, जो वचन मैं कहता हूँ वे आत्मा है तथा जीवन भी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ें मरकुस की इंजील 14 अध्याय 32 आयत से 42 आयत तक। फिर वे गतसमनी नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूँ। और वहाँ पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ, तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से हटल जाए, और कहा, हे अब्बा पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है, क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। और वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में प्रार्थना की। फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी और नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर दे। फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुंची। देखो, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है, उठो चले, देखो मेरा पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। लुका की इंजील उसका 22वां अध्याय और 39 आयत से 46 आयत तक पढ़ेंगे। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चले उनके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। तब वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो प्रार्थना करो
की परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। अगर सेवकाई में सबसे कठिन विषय है तो कौन सा है? प्रार्थना करना। हालेलुया। चेले देखो कैसे हाल है इनके। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं और चेले सब क्या कर रहे थे? सो रहे थे। राजू भाई, आप एक दिन बोल रहे थे कि बाबूजी सो रहे हैं। हालेलुया, है ना? हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर जो कहता है वो सब सही होता है। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूँ। और मैं सो रहा हूँ तो कलीसिया भी सो रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो रहे थे। हालेलुया। मैं एक गीत गाना चाहता हूँ आपके सामने, गुजराती में गीत है। हालेलुया। रे प्यालो पापी काज कड़वो पी धो रे ने पापी केरो भार माथे ली धो रे ते आव्यो अवनी माय दुखो लेवारे ते पाम्यो श्रापित मोत जीवन देवारे सहु दुखियाराना कष्ट का प्याते ने रे बहु रोगी केरा रोग टाल्या ने रे थई पापी केरो मित्र चाया तेने रे बहु राख्यो मीठो भाव सौ पर एने रे प्रभु देव कुंवर जगन्नाथ भवमा आव्यो रे आ पापी जगने काज तारण लाव्यो रे सहु पापी केरी पीड़ तेने जानी रे ने छोड़ियो स्वर्गनु सुख करुणानी रे। हालेलुया। आपको समझ में आया मैंने क्या गाया? हालेलुया। रे प्यालो पापी काज कड़वो पी धो रे ने पापी केरो भार माथे ली धो रे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस रात वो पकड़वाया गया वो उस समय गतसमनी नामक एक बाड़ी में प्रार्थना कर रहा था और उसके साथ तीन चेले थे, यूहन्ना, याकूब और पतरस। हालेलुया। ये उसके तीन प्रिय चेले थे। ये जो लिखा हुआ है, हालेलुया, मरकुस की इंजिल में लिखा हुआ है वो पतरस द्वारा लिखवाया गया है। हालेलुया। और ये चेलों ने देखा, ये वचन उसकी गवाही देता है। हम कोई आपको कहानियां नहीं सुना रहे, हम आपको सच्चाई का वर्णन कर रहे हैं। हालेलुया। जो हुआ था उसकी बात आपको सुना रहे हैं। यूहन्ना की इंजील 20वां अध्याय 31 आयत में लिखा है। यूहन्ना की इंजील 20वां अध्याय 31 आयत में लिखा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं
कि तुम विश्वास करो, कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। ये इसलिए लिखे गए हैं, ये गवाही का वचन है। हालांकि यद्यपि पवित्र आत्मा गवाह है, लेकिन ये वचन भी लिखा के दिया है। पवित्र आत्मा और वचन दोनों एक ही गवाही देते हैं। पवित्र आत्मा कभी भी वचन के उलट कोई गवाही नहीं देता, और मनुष्य की मनगढ़ंतता के आधार पर भी कोई गवाही नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। मनगढ़ंत सोच के आधार पर भी जो वचन में लिखा हुआ है, अगर आपका प्रकाशन है वचन के अनुसार है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। हालेलुया। अगर आपका प्रकाशन, आपका दर्शन वचन के अनुसार है, आपको कोई प्रकाश, आपके प्रकाशनों को अपने जेब में रखिए, नहीं तो। हालेलुया, हालेलुया। आपके प्रकाशन, आपके दर्शन को हर कोई आत्मा आत्मा करके मनुष्यों को भरमाए नहीं। हालेलुया, हाला आपका, आप वचन पे रहिए, खड़े रहिए। वचन चट्टान है, वचन यीशु है, क्योंकि ये उन चेलों के द्वारा लिखा गया है, उस आत्मा के द्वारा लिखा गया है जो उसका गवाह है। ये अपने आप कोई सोच के कारण से नहीं लिखा गया, ये सत्य वचन है, ये जीवित वचन है, ये आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आत्मा को आकाश में स्थापित किया है। और यदि आत्मा आकाश में स्थापित है तो उसका वचन भी आत्मा के द्वारा आकाश में स्थापित है, और पवित्र आत्मा वचन को उठाता है, यदि आप इसमें से वचन को बोलते हैं तो, और वचन के अनुसार परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, वचन सत्य है, और बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा सत्य है, और ये बाइबल बताती है कि यीशु मसीह सत्य है। और बाइबल परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, बाइबल परमेश्वर का वचन है, और बाइबल परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर पिता और परमेश्वर पवित्र आत्मा के बारे में बात करती है। हालेलुया, इसके द्वारा तुम इसलिए लिखे गए कि इनके द्वारा तुम जीवन पाओ, विश्वास करो और जीवन पाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मरकुस की इंजील में जाएंगे वापस। हालेलुया, वहां पे लिखा हुआ है 14 अध्याय में। हालेलुया, हालेलुया। यहां बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वह पतरस और याकूब और यहुन्ना को अपने साथ ले गया, और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा। हालेलुया, बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा। मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसा लिखता है कि यीशु एक मनुष्य था। हालेलुया, ये बात दूसरी है कि यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य भी है तो पूर्ण परमेश्वर भी है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लिखा हुआ है कि बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा, और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ, तुम यहाँ ठहरे हो और जागते रहो। फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझसे टल जाए, और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। हालेलुया, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसे नहीं, पर जैसा तू चाहता है वही हो। हालेलुया, हालेलुया। दिस इज हिज प्रेयर, ये उसकी प्रार्थना है। हालेलुया, देखो, उसको सब कुछ मालूम था कि उसको पकड़वाया जाना है। उसको ये भी मालूम था कि लोग उसको क्रूस पर चढ़ा देंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा। आप सोच रहे होंगे कि यीशु मसीह प्रार्थना क्यों कर रहा था फिर। हालेलुया, और इसका उत्तर है, मत्ती की इंजील, एक मिनट, मत्ती की इंजील
जागते और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पढ़ो। हालेलुया, यहाँ पे लिखा हुआ है हालेलुया, हालेलुया, यहाँ पे लिखा हुआ है जागते, 38 आयत में लिखा है जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। यीशु मसीह किसी बात के लिए श्योर होना चाहता था। हालेलुया, हम लोग प्रार्थना क्यों नहीं करते? मैं निश्चय रूप से ये जानता हूँ कि बहुत बार कुछ नहीं होता तो भी हम थोड़ी देर प्रार्थना करके थक जाते हैं, लेकिन बाइबल ऐसे नहीं बताती। बाइबल जब तक उत्तर नहीं मिले तब तक प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया, जब तक, क्योंकि परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के मामले में उसने ऐसा ही किया। हालेलुया, बाइबल में 12 अध्याय में लिखा हुआ है कि जब पतरस जेल में था तो कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। लो लगाकर का मतलब होता है लगातार। हालेलुया, और रात के 12 बजे लिखा हुआ है एक दूत आया और पतरस की थपकी दी और बोला उठ। हालेलुया, और जब वो चलने लगे तो जेल के फाटक अपने आप खुल गए और वो उसको निकाल ले गया। हालेलुया, हम लोग इतने कभी कभी ऐसा लगता है कि हम सच्चाई को नहीं जानते, कि परमेश्वर को नहीं जानते। हम शारीरिक लोग हैं, हम हमारे अंदर कभी कभी ऐसा लगता है कि परमेश्वर का वचन रहता ही नहीं है, कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, और ऐसा उदास हो जाते हैं और थक जाते हैं। हालेलुया, उदास हो जाते हैं, थक जाते हैं। हालेलुया, और हम प्रार्थना नहीं करते और ऐसा लगता है कि हम विश्वास ही नहीं करते। हालेलुया, परमेश्वर पर विश्वास ही नहीं करते। यीशु परमेश्वर पर विश्वास का एक श्रेष्ठ नमूना है। यीशु नाम का मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास का एक श्रेष्ठ नमूना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मरकुस की इंजील उसका 5वां अध्याय 36 आयत, मरकुस की इंजील उसका 5वां अध्याय 36 आयत। हालेलुया, हालेलुया, और उसका 90वां अध्याय 23 आयत। हालेलुया, जो बातें वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास कर। मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया, मत डर। क्या बोला उस व्यक्ति ने जो आराधनालय के सरदार के घर से आ रहे थे, तेरी बेटी मर गई है, गुरु को आप तकलीफ ना दे। और यीशु ने उनकी बातों को अनसुनी करके कहा। हालेलुया, क्या कहा? मत डर, केवल विश्वास रख। मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया, मरकुस की इंजील 90वां अध्याय 23 आयत। हालेलुया, मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ने उससे कहा यदि तू कर सकता है ये क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ, यीशु कहता है। मैं आपको इन दो बातों पर ध्यान करने के लिए बोलूंगा। हालेलुया, यीशु ऐसा क्यों बोला? क्योंकि मरकुस 10वां अध्याय 17 आयत में लिखा है, यूहन्ना की इंजील 10वां अध्याय 17 आयत में लिखा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यूहन्ना की इंजील 10वां अध्याय 17 आयत में लिखा है। हालेलुया, 18 आयत 17 आयत 18 आयत। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ, मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ, उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीन नहीं, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, नहीं वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। हाँ, मुझे
उसके देने का भी अधिकार है, प्राण देने का और प्राण वापस लेने का अधिकार है। हालेलुया, यीशु मसीह को मृत्यु पर अधिकार है, यीशु मसीह को शैतान पर पूर्ण अधिकार है, यीशु मसीह को पाप पर पूरा अधिकार है। इसीलिए वो याइर से बोल सकता था, केवल विश्वास रख। किस पर? मुझ पर विश्वास रख, मैं पुनरुत्थान तथा जीवन हूं, मैं ही जीवन हूं, मार्ग सत्य जो परमेश्वर की ओर से आने वाला था वो मैं ही हूं। हालेलुया, यीशु मसीह मैं ही हूं है, परमेश्वर मैं ही हूं। हालेलुया, यीशु मसीह जो परमेश्वर आने वाला, वो मूसा के समान नहीं है, वो एलिया के समान भी नहीं है, वो किसी भविष्यवक्ता के समान भी नहीं है। यीशु परमेश्वर का प्रकट रूप है, देह में प्रकट रूप। हालेलुया, मैं ही, इसीलिए वो याइर से बोल सकता था, इसीलिए वो जो बच्चा जिसको कभी दुष्ट आत्मा आग में गिरा देती थी, कभी पानी में गिरा देती थी, उससे बोलता है कर सकता है, ये क्या बात है। विश्वास करने वालों के लिए, जो यीशु पर विश्वास करते हैं उसको मृत्यु पर अधिकार है, वो सड़े हुए को भी जिला सकता है। हालेलुया, हम सिर्फ कमी क्या है, वी आर नॉट प्रेइंग और वी आर नॉट नोइंग, हम जानते नहीं, हम विश्वास नहीं करते, इसीलिए हम सो जाते हैं। हम विश्वास नहीं करते या यीशु से प्रेम नहीं करते, या ऐसे कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा भी शायद हमारे लिए ऐसे ही कोई वेग बात है। हालेलुया, इसीलिए हम सो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, लिखा हुआ है, हालेलुया, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, क्योंकि क्या बोलता है, तेरे द्वारा सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर के द्वारा। ये बात सच है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन यहां पर परमेश्वर ऐसा नहीं करता। क्यों? यीशु को वो कटोरा, परमेश्वर का दूत आया तो उसने उसको सामर्थ, बेटा यू हैव टू गो टू क्रूस। हालेलुया, वाय, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने ये बोला था कि जो पाप करेगा वो मर जाएगा, अदन की बात, जो आज्ञा नहीं मानेगा वो मर जाएगा। हमारी अनाज्ञा की कारकता के कारण, हमारे पाप के कारण वो मरा। परमेश्वर का आज्ञा, परमेश्वर कभी पलटता नहीं है, इसीलिए पापियों को बचाने के लिए, पापियों से प्रेम करने के कारण से परमेश्वर ने अपने ही बेटे को क्रूस पर जाने के लिए भेजा। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर यीशु मसीह इसलिए प्रार्थना कर रहा था कि वो श्योर हो जाए, और यीशु मसीह इसलिए, उसको उसके परमेश्वर से आज्ञा मिलनी थी कि वो उसकी निश्चय इच्छा को पूरी करे, निश्चित इच्छा को। हालेलुया, वो ऐसे ही कोई मनगढ़ंत या ऐसे ही किसी तरीके से अपना प्राण देना नहीं चाहता था, सिर्फ परमेश्वर की, इसलिए वो आज्ञा पाने के लिए, परमेश्वर से आज्ञा पाने के लिए प्रार्थना कर रहा था। उसको पहले से ही मालूम था, लेकिन उस समय के लिए, क्योंकि वो ही दिन तय था और उसी दिन वो प्रार्थना कर रहा था कि उसे क्रूस पर जाना है। उसको मालूम था, लेकिन वो श्योर होना चाहता था, क्या अभी ही ये काम करना है और आज ही करना है, हो सकता है अगला साल आ जाए। हालेलुया, और वो श्योर होना चाहता था। देखिए, शैतान धूर्त है, बाइबल बताती है कि मनुष्य शरीर के द्वारा, मनुष्य तीन तरह से धोखे में आता है, मनुष्य का आत्मा खुद भी उससे बोलता है। हालेलुया, दुष्ट आत्मा भी मनुष्य से बोल सकता है और परमेश्वर का आत्मा भी मनुष्य से बात करता है। यही तो परीक्षा है, परीक्षा में ना पढ़ो, क्यों यीशु मसीह ये बोल रहा था। हालेलुया, परीक्षा, जागते और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पढ़ो। आत्मा तो तैयार, शरीर तो दुर्बल है, लेकिन आत्मा तैयार है। बाइबल बताती है, लुका के इंजिल में लिखा हुआ है कि उसका पसीना लहू की बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। आपके प्रार्थना के स्थान पर
पवित्र आत्मा उपलब्ध कराया गया है। चाहे आपको कोई सेंटीमेंट होते हो या नहीं होते हो, लेकिन पवित्र आत्मा आपके पास रहता है, पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। आप विश्वास करते हैं आपको दिया गया है, हालेलुया। आपको कोई भावनाएं होती हो या नहीं होती हो, लेकिन बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने गतसमनी की बाड़ी में अपना लहू बहाया ताकि आपके लिए पवित्र आत्मा को उपलब्ध कराए, और उसने आप किसी भी जगह पर प्रार्थना करते हैं आपके लिए पवित्र आत्मा उपलब्ध कराया है, हालेलुया। हो सकता है आंसर आने में कुछ घंटे लग जाएं, हो सकता है, हालेलुया। और इसीलिए यीशु मसीह ने बोला कि जागते और प्रार्थना करते रहो। तीन तरह के बॉन्डेज होते हैं शैतान के द्वारा, हालेलुया। तीन तरह के बॉन्डेज होते हैं। एक तो होता है इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट का मतलब पूरी तरह पकड़ा हुआ, और वो गिरासेनियों के देश में जब यीशु मसीह गया तो वो सांकलों से जकड़ा हुआ व्यक्ति था, उसके अंदर 2000 दुष्ट आत्माएं थी। दूसरी तरह का बॉन्डेज, बॉन्डेज का मतलब होता है वो पूरी रीति में बंधा हुआ तो नहीं होता, लेकिन कोई एक पाप किसी भी मनुष्य के एक अंग में कार्य करता रहता है, और वो उसका छुटकारा, वो उसे जय नहीं मिल देने देता, और वो उसको आगे नहीं बढ़ने देता, हालेलुया। और तीसरी तरह का होता है ऑपरेशन शैतान के द्वारा। ऑपरेशन का मतलब होता है सताया जाना, कभी कभी आ करके आपको शैतान सताता है, हालेलुया। तीन तरह के इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट, बॉन्डेज और सताया जाना, हालेलुया। बंधुआई का मतलब आप छुटकारा, बॉन्डेज का मतलब होता है आप प्रयत्न तो कर रहे हैं, आप अच्छी नौकरी कर रहे हैं, आप अच्छे गा रहे हैं, लेकिन आपके भीतर कोई बॉन्डेज हो है जो छुड़ाया नहीं गया है, या आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, या फिर आप कन्फेस नहीं कर रहे हैं। आप मरकुस की इंजिल उसका 11:26, हालेलुया। मरकुस की इंजिल उसका 11:26, हालेलुया, हालेलुया, हाल 25:26, हाल 25:26, हालेलुया, हालेलुया। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध है, तो क्षमा करो, तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो, हाँ, तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। यदि तुम क्षमा न करो, देखिए शैतान कैसे बॉन्डेज, कैसे कैसे बॉन्डेज लाके रख देता है, हाल, और हम उनसे छुटकारा नहीं पाते, हालेलुया। और इसी कारण से हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता, हाल, कहीं कहीं घमंड, कहीं कहीं हेकड़ी, कहीं कहीं अदिखाई, कहीं कहीं ईर्ष्या, कहीं कहीं मतवालापन, कहीं कहीं कुछ ऐसी चीजें, कहीं कहीं मोबाइल, कहीं कहीं ऐसा कोई बॉन्डेज है जिसके कारण से हम पूरी रीति पर परमेश्वर के वचन के अधीन नहीं हुए, वचन या आत्मा के अधीन नहीं हुए, हाल, पूरी रीति पर अपने आप को परमेश्वर के लिए नहीं दिया, और हम कहते हैं बपतिस्मा दे दे, ये दे दे, ये घुस जा, ओ ये कर दे, वो कर दे, हालेलुया। हम ऐसी बातें करते हैं, बहुत बहुत बातें करते हैं। कभी कभी इन बातों को बड़े ध्यान से वचन को देखना चाहिए कि क्या बोलता है वचन, हालेलुया। ये तीन तरह बॉन्डेज और ऑपरेशन सताने के लिए शैतान कभी कभी कोई बीमारी डालकर भी सताता है, कभी कभी उस बंधुआई के कारण से हमारा पूरा छुटकारा नहीं होता। और इम्प्रिजनमेंट तो पूरा पूरा गिरासेनियों के देश में जो बंधुआई वाला था, जिस आंकड़े से बांधा गया था, उसके समान होता है, जिसमें 2000 दुष्ट आत्माएं थी, हालेलुया। मैं आपको यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहा था तो ऐसे लिखा हुआ है, हाल, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और परीक्षा जब होती है तो हम अपनी हेकड़ी का प्रचार करने लगते हैं, हालेलुया, मैं ऐसा हूँ, प्रभु के पास नहीं जाएंगे, हालेलुया, वो ऐसा ऐसी है, हम दूसरों के बारे में बोलेंगे, वो उसके कारण से, हम अपनी गलती नहीं मानेंगे कभी। और ये किसका काम है? शैतान का काम है,
हम यीशु मसीह की तरह नम्र और दीन नहीं होना चाहते, और ऐसा लिखा हुआ है फॉल ऑन द फेस, गिर गया भूमि पर, गिरकर प्रार्थना करने लगा। इसीलिए हमारे जीवन में चंगाई भी नहीं आती, और हमें जो जो पवित्र आत्मा का वो अभिषेक जो जो हमें उसकी उपस्थिति में लाता है, जिसके बारे में लिखा हुआ है 7:21 में मत्ती की इंजिल में लिखा हुआ, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुमने चमत्कार किए, तुमने बीमारों को चंगा किया, मैं कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। चमत्कार आपके कारण से नहीं होते, चमत्कार मनुष्य को पीड़ा में पड़े हुए मनुष्य को यीशु देखता है और पवित्र आत्मा देखता है, इसलिए करता है। ये किसी के दिखाने का या हेकड़ी करने का विषय नहीं हो सकता। हालांकि मैं तुम्हें नहीं जानता यीशु मसीह, क्योंकि हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो अहम मैं प्रार्थना करता हूँ, ये हेकड़ी होती है। हालेलुया। और हम अपने आप को उस तरह से दीन नहीं करते, इसलिए परीक्षा में पड़े रहते हैं, दीन नहीं करते। प्रभु जैसे उसने आग, ऐसा लिखा हुआ है इब्रानियों की पत्री 5:7, इब्रानियों की पत्री 5:7। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई, हालेलुया। ये वही गतसमने की बाड़ी के बारे में भी वर्णन है। हालेलुया, भक्ति के कारण। हालेलुया, उसने आगे क्या लिखा हुआ है, आगे अगली आयत। हालेलुया, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। हम आज्ञा नहीं मानते, हम बड़ों का आदर नहीं करते, हम हर जी में आए वैसे बकवास करने लग जाते हैं, हम अपने ही गुलाम होते हैं। हालेलुया, हम जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर नहीं करना चाहते। हालेलुया, और कहते हैं कि ओ सुन लेगा परमेश्वर। हालेलुया, हम पता नहीं कैसे लोग हैं, हम आज्ञाकारी तो नहीं आना चाहते, जिसका आदर करना चाहिए आदर नहीं करते, और बोलते हैं, हम बोले ऐसे जी में आए वैसे दुष्ट आत्माओं को अपना मन दे देते हैं और अपनी शारीरिक लालसाओं के अनुसार और अपनी हेकड़ी में चलते हैं, और फिर उत्तर भी चाहते हैं। हालेलुया, और अपने दूसरों के सामने अच्छा भी दिखाना चाहते हैं। हो सकता है मैं भी ऐसा ही हूँ। हालेलुया, आप समझ रहे हैं इन बातों को, लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं है, यीशु मसीह ऐसा नहीं है। हालेलुया, लिखा हुआ है इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसे नहीं, तू चाहता है वैसे हो। हाँ, और परमेश्वर ने उसको क्या उत्तर दिया, बेटा ये कटोरा तेरे को पीना पड़ेगा, तभी मेरी बहने को मैं क्षमा कर पाऊँगा, तभी मैं उन पर दया कर पाऊँगा। हालेलुया, यही तो दया का सिंहासन है, यही तो यीशु है, यही तो नन लाइक हिम, नन, नो को नो वन, लॉर्ड आई हैव सर्च ऑल इटर्निटी लॉर्ड एंड फाउंड नन लाइक यू। हालेलुया, सारे आकाश और पृथ्वी में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ढूंढो यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु की तरह कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता, यीशु की तरह कोई मृतकों को जिला नहीं सकता। इसीलिए वह याइर को बोलता है केवल विश्वास रख, केवल मुझ पर विश्वास रख, मैं तुझे जिला सकता हूँ, सिर्फ यीशु जिला सकता है, यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया, यीशु जैसा प्रार्थना करने वाला भी कोई नहीं। फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन तू सो रहा है, क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका, क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका। हालेलुया, हाय हालेलुया, हाय हाय मुझ पर। हालेलुया, क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका, क्या लिखा हुआ है। हालेलुया, और आगे बोलता है कि जागते ही और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, आत्मा तो तैयार है और शरीर दुर्बल है,
और वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों से प्रार्थना की और फिर आकर उन्हें सोते पाया, और क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी और नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर दे। और फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुंची। उसने यीशु मसीह देख लिया था कि लोग आ रहे हैं और पकड़वाने वाला आ रहा है, और यीशु मसीह ने क्या बोला अंतिम आयत में, उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। हालेलुया, यीशु मसीह यद्यपि सब कुछ देखता था, लेकिन हमको प्रभु के चरणों में बैठकर निश्चित उत्तर प्राप्त करना चाहिए, निश्चय बैठना चाहिए, निश्चय, क्योंकि ये सत्य है कि यीशु मसीह जीवित है, ये सत्य है कि सत्य आत्मा, सत्य का आत्मा हमारे साथ रहता है और वो परमेश्वर का आत्मा है, ये सत्य है कि हम जीते परमेश्वर की आराधना करते हैं, बाकी संसार अंधकार में पड़ा हुआ है और उनको नहीं मालूम है, वे नहीं जानते उसकी आराधना करते हैं। सामरी निभाई से यीशु मसीह ने बोला, लेकिन हम जिसे जानते हैं, ये सत्य है कि ये वचन सत्य है, ये सत्य है कि यीशु मसीह सत्य है, ये सत्य है कि पवित्र आत्मा सब कुछ कर सकता है, मरे हुए को जिला सकता है। यीशु मसीह इसीलिए मरे हुए में से जिला भी गया, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए उसकी अधीनता में आया और प्रार्थना उसकी आज्ञा ही पूरी होना चाहिए। अपनी मनगढ़ंतता से वो कोई काम करना नहीं चाहता था, सिर्फ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, मैं जैसा मैं चाहता हूँ वैसे नहीं, जैसा तू चाहता है वैसे हो, तेरी इच्छा पूरी हो, जैसी तेरी इच्छा आसमान में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया, यीशु जानता था, इसलिए इसने प्रार्थना करना भी सिखाया, जैसी तेरी इच्छा, He can do all things। हालेलुया, हम कई चीजों में शरीर में फंसे हुए रहते हैं, कई चीजों में शरीर की लालसाओं में, कई चीजों में हमारे मनों पर शैतान का अधिकार, शरीर का अधिकार और संसार का अधिकार होता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे हृदय पर तो सिर्फ पवित्र आत्मा का और सिर्फ परमेश्वर का पुत्र का अधिकार होना चाहिए। तुम मेरे हो, मैं तुमको संसार के उद्धार के लिए जगत की ज्योति के रूप में इस्तेमाल करना चाहता हूँ। इसीलिए इसने बोला कि जागते ही और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में न पड़ो। शरीर तो दुर्बल है लेकिन आत्मा तैयार है, उत्तर न चाहिए तो उत्तर मिलेगा। पौलुस और सिलास को पत्रस को उत्तर रात के 12 बजे के बाद मिला, पौलुस और सिलास को उत्तर रात के 12 बजे के बाद मिला। हम कितनी देर प्रार्थना करते हैं, यही हमारे लिए सोचने का विषय है, क्या हम सच्चे परमेश्वर की उपस्थिति में, यदि हम प्राइस पे नहीं करेंगे तो हमें उत्तर भी नहीं मिलेगा। हालेलुया, हम अपने आलस्यता के बल पर परमेश्वर की उन आशीषों में जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई है कभी भी प्रवेश नहीं करेंगे। परमेश्वर आप सबको ऐसा वरदान दे कि आप अपना उत्तर प्राप्त करने वाले बने और एक किंग के समान उसके साथ राज्य करें। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, आमीन।